Welcome in this class. Today we are starting the new topic in chapter number 7. The chapter number 7 is drugs and marks. और आज हम इस पर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज द एडिशन. एडिशन ऑफ द डिफरेंट मेजरिंग यूनिट ऑफ कैपेसिटी. कैपेसिटी की डिफरेंट मेजरिंग यूनिट को हम कैसे ऐड करेंगे आज देखेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 45 किलोलीटर 525 लीटर एंड 35 किलोलीटर 200 लीटर. हमें इन दोनों जो नंबर दिए हैं इन दोनों यूनिट्स को ऐड करना है. फिर से पढ़ते हैं एक बार. 45 किलोलीटर 525 लीटर एंड 35 किलोलीटर 200 लीटर. अब इसको जब हम करेंगे कन्वर्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पर देयर आर टू यूनिट ऑफ द कैपेसिटी. दो यूनिट दी हुई है हमारे पास, किलोलीटर एंड लीटर. तो फर्स्ट वी मेंशन द बोथ यूनिट. जब हम मेंशन करेंगे दोनों यूनिट को तो दोनों में से बड़ी कौन सी है, किलोलीटर और लीटर में से बड़ी कौन सी है, विच वन इज द ग्रेटर आउट ऑफ किलोलीटर एंड लीटर. कौन सी बड़ी है इनमें, हमने टेबल में बनाया था. जो टेबल में जो ऊपर वाली यूनिट है दैट इज द ग्रेटर देन द लोअर यूनिट. नीचे वाली यूनिट से बड़ी ऊपर वाली बड़ी होती है. तो हमारे पास किलोलीटर इज द ग्रेटर देन द लीटर. तो फर्स्ट वी राइट किलोलीटर, आफ्टर दैट वी राइट लीटर. ठीक है, पहले हमने किलोलीटर लिखा उसके बाद लीटर. पहली चीज ये हुई, जब भी किसी क्वेश्चन में करते हैं तो स्टेप्स में बांटते हैं. सबसे पहले हमने ये करा दो यूनिट लिए, दोनों में कंपैरिजन किया कि किलोलीटर और लीटर में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, विच वन इज द स्मॉलर एंड विच वन इज द ग्रेटर. ग्रेटर यूनिट वी राइट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी राइट द स्मॉलर. ओके, नाउ अब क्या दिया हमें, 45 किलोलीटर. हमने लीटर के नीचे क्या लिखा, किलोलीटर है, किलोलीटर के नीचे 45. ये ध्यान रखना है, किलोलीटर के नीचे किलोलीटर वाली यूनिट लिखेंगे और लीटर के नीचे लीटर वाला यूनिट पढ़ते रहते हैं. सेकेंड इज लीटर. लीटर में क्या है, 525. क्लियर. दूसरा नंबर यहाँ पे क्या है, 35 किलोलीटर. किलोलीटर है तो वी राइट हियर 35. लिखने का प्रोसेस वही रहेगा, 35 है वन स्टेंस तो ये एक एक यूनिट नीचे, यानी लिखने का सिक्वेंस रहेगा. वन स्टेंस यहाँ भी ध्यान रखने हैं हमें, यहाँ पे जो किलोलीटर है तो इसका वन स्टेंस लीटर है तो वन स्टेंस 100, उसी सिक्वेंस से लिखना है. ये भी जो पहले पढ़ चुके हैं उसे भूल जाएंगे, सिक्वेंस वैसे ही रखेंगे. देयर इज अ 200 को लिखने के 002 लिखने का, 5 के नीचे 002 यानी वन स्टेंस 100 का सिक्वेंस हमें याद रखना है. देन प्लस यहाँ तक सबको क्लियर है. पहले हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया विच वन इज द ग्रेटर यूनिट एंड वी राइट द ग्रेटर यूनिट फर्स्ट. आफ्टर दैट वी राइट द नंबर. नंबर इस तरीके से लिखिए, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर एंड लीटर के नीचे लीटर. एंड व्हेन वी राइट द नंबर वी रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. हमें उसकी प्लेस वैल्यू को याद रखना है. सपोज हमने लिखा 525 तो 5 की प्लेस वैल्यू 1 10 100. ऐसे यहाँ 200 है 002. प्लेस वैल्यू अपने हिसाब से चेंज नहीं करनी. यहाँ तक सबको क्लियर है. वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी है ये, और आप नहीं देखेंगे और सीधा पीडीएफ करने शुरू कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. वीडियो ध्यान से देखना है. इसके बाद हमें यहाँ पे साइड में क्या लिखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा अगर ये चीज़ ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है. हमें इन दोनों यूनिट्स में रिलेशन लिखना है. रिलेशन क्या होता है, 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू डैश लीटर. 1 किलोलीटर में कितना लीटर होते हैं, टेबल में देखिए हमने करा था. 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर या साइड में लिख दिया. अब इस टेबल का यहाँ क्या यूज है, यहाँ इस टेबल में हम क्या देखेंगे, हाउ मेनी जीरोज हियर, कितनी जीरो है यहाँ पे, 3 जीरो है. तो हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट्स होने चाहिए. क्लियर, या 3 जीरो है तो 3 डिजिट होने चाहिए. अगर हमारे 3 डिजिट है दोनों में तो वेरी गुड. सिर्फ टेंथ ये लीटर वाले में देखा 3 डिजिट. अगर 3 डिजिट नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे आगे बताएंगे. अभी अभी हमारा फिलहाल 3 डिजिट है, हमने कुछ नहीं 3 डिजिट काउंट करा. अब हम इसे ऐड करेंगे 5 0 5 2 7 5 5 10. 1 कैरी ओवर आ गया यहाँ पर, 7 और 8. व्हाट इज द आंसर, आवर फाइनल आंसर इज 80 किलोलीटर 725 लीटर. इट इज द फाइनल आंसर.
when we add both two numbers. Clear? अब एक क्वेश्चन है इसमें याद रखिए. दूसरा क्वेश्चन है बी पार्ट का. 545 लीटर 25 मिलीलीटर एंड 42 लीटर 500 मिलीलीटर. अब इसको ऐड करो. तो देयर आर द टू यूनिट्स. यहां पर दो यूनिट है कैपेसिटी की, लीटर एंड मिलीलीटर. फिर से हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बड़ा है, लीटर और मिलीलीटर में विच वन इज द ग्रेटर. अगर हम टेबल देखें तो लीटर कम्स फर्स्ट, इट मींस द लीटर इज द ग्रेटर देन द मिलीलीटर. लीटर मिलीलीटर से बड़ा है. तो फर्स्ट वी राइट हियर लीटर एंड आफ्टर दैट वी राइट मिलीलीटर. फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप वी राइट द मेजरिंग वैल्यू. मेजरिंग वैल्यू लिख देंगे इसकी, दैट इज द 545 हियर 25. फिर उसके बाद सेकंड यूनिट 42. अब देखिए यहां 42 लीटर, लीटर के लिए नीचे लिखना है. अब 42 कैसे लिखेंगे, ये ऐसे 42 लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, जब हम इसे लिखेंगे तो हमें प्लेस वैल्यू ध्यान रखना है. 42 में 2 का प्लेस क्या है यहां पर, 1s. इसका प्लेस क्या है, 10s. और हमने अभी कौन सी यहां पे 1s, 10s, 100. हमने 2 को 2 का प्लेस क्या कर दिया, 10s कर दिया है ना. वी कन्वर्ट द प्लेस, we change the place of 2. 2 का place change कर दिया. अगर हम place change कर देंगे तो उसकी जो value है numerical value change हो जाएगी. तो हमें place नहीं change करना. 42 को हम क्या लिखेंगे, 2 1's place पे आएगा, 4 यहाँ पर आएगा. Clear? इतना समझ में आया. अगला है 500. अब 500 कैसे लिखेंगे, 1's, 10's, 100. Second step plus करना है. एक स्टेप और बताया था क्या था, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. ये होता है ना, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. हाउ मेनी जीरोस हियर, यहां कितने जीरो है, 1 2 3 3 जीरो है. तो हमारे कितने प्लेस होने चाहिए, 1 2 3 3 प्लेस होना चाहिए. थर्ड प्लेस नहीं है, 1s पे तो 5 है, 10s पे 2 है, 100 पे कोई नहीं है, तो वी राइट हियर 0. कभी भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे 25 है तो हम ऐसे लिखते हैं यहाँ 25. नो, हम इसे 1 से लिखना शुरू करेंगे. ऐसे 3 प्लेस है क्योंकि आप 3 जीरो है, तो फिर 3 लगा लिया है. और जब इसे लिखेंगे तो 5 and 2. ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इसको भी ध्यान नहीं देंगे तो हमें फिर हमारे आंसर्स जो है गलत आएंगे, बाद में चीज़ समझ नहीं आएगी. तो हर स्टेप को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है. हम इसे ऐड करेंगे 505 2 प्लस 0 2, यहाँ 0 लिख लेंगे, 05 5, हियर 7 8 and 5. फाइनल आंसर इज 587 लीटर एंड 525 मिलीलीटर. इट इज आवर फाइनल आंसर. क्लियर? ये क्वेश्चन करना है, एडिशन का ये क्वेश्चन करना है. और इसके अलावा जो क्वेश्चन है पीडीएफ फाइल में दे रही हूँ, वो भी इसी के बेस पे आपको ट्राई करनी है. ओके, बाय बाय.